रिहा होते ही जहर भी। दार गठजोड़ कर रहा। माँ मरियम के नाम पे मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे की जगह मेरी जान ले ले। निकोला तुम्हारे बेटे को रिहा करने पर राजी हो गया, अब हम अपनी जिंदगी का आगाज करेंगे। झूठा पिता, जहर है उसके पास। जब रिहा होते ही जहर भी। दार साहब यहां तुम्हारे बेटे को लेने आए थे। तेरा शुक्र है खुदावन, मेरे बेटे को जिंदगी देने पर तेरा शुक्रिया। खुदावन तेरा लाख लाख शुक्र है। सिपाहियों ले जाओ इसे, इसको इसके बेटे के पास ले आओ। खुदावन तेरा शुक्र है, शुक्र है तेरा। मुझे भी बच गई। मेरे भाई, क्या वाकई बहुत जल्द हम इस गले को वापस कर देंगे? तो बताओ उसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं हम? बोलो, क्या अपने हुजूर के फरमान के खिलाफ जाएं हम? इतना जानता हूँ कि हमारे बहुत से सिपाही शहीद हुए थे, मैं कले को हासिल करने के लिए शामिल हुआ, देने के लिए नहीं। जानता हूँ मैं ये बात, पर मैं इस वक्त कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। एक तरफ कानून और रवायत, दूसरी तरफ मेरे सरदार के अल्फाज, उनकी नाफरमानी कभी नहीं कर सकता मैं। साहब ने मुझे सिखाया है कि सिपाही अपने सरदार से सवाल नहीं करते, इसलिए मैं मश कर रहा हूं। आयकुल खातून, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? क्या कहना चाहती हैं? मेरे
नजदीक सरदार और कवानीन सिर्फ उस्मान साहब हैं। ये तलवार उनकी हुक्म किताबे है, इस्तेमाल का हुक्म देंगे तो होगी इस्तेमाल, और अगर कहेंगे कि रख के भूल जाओ तो भूल जाऊंगी मैं। वो देख बस पीछे वो अगर कोलोचासार के साथ साथ सोट भी दे देते हैं उन्हें तो मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी। आगे सरदार। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहां से कोई खबर आई? नहीं मेरे हुजूर। हुजूर, निकोला ने बायोजा को कैद से रिहा कर दिया है। शुक्र है मेरे रब का। शुक्र है अल्लाह का। इंशाअल्लाह तेरा शुक्र है। मेरे सरदार, क्या आप सच में वापस ले रहे हैं भला? कुछ तो होगा मंसूबा, ऐसे थोड़ी होता है। अम्मी जान, मुझे बताएं आप कि आप इस लड़की को कैसे जानती हैं? उसने हमें ऐसे जिंदा कैसे छोड़ दिया? खुदा का शुक्र है कि हम कले से बाहर आ गए। अब इस बारे में मत सोचो। अम्मी जान, मैंने आपसे पूछा है कि आप लड़की को कैसे जानती हैं? तुर्कले जा रहे हैं जनाब, और ईसाई कोई भी नहीं बचा वहां। इसे कहते हैं खुशखबरी। अलेक्जेंडर, सिपाहियों के साथ जाकर कले की तलाशी लो। दुद्दार साहब के साथ जो सिपाही है वो तुम्हारे साथ जाएगा। कले से सबको निकाल देना। कोई जानदार जिंदा नहीं रहना चाहिए। कुत्ता, बिल्ली, इंसान, जो नजर आए बगैर सवाल जवाब के खत्म कर दो। तुम्हारे पैगाम का इंतजार करूंगा। सिपाहियों, उस्मान, कोई जाल ना बिछा दे, इस बात का डर है तुम्हें फिलातियुस? मैं इकदाम करूंगा। कुछ भी गलत हुआ तो मैं इन दोनों को जिंदा जला दूंगा। इनके साथ आप भी मरेंगे दुद्दार साहब। जानता हूं मैं, जानता हूं अच्छी तरह। आप भी मरेंगे? अच्छी तरह जानता हूं। तो दुआ करें कि आपका भतीजा आपको धोखा ना दे दुद्दार साहब। इतनी आसानी से तो देगा नहीं, वो किला है भाई। भाई डेरे है भाई, सच में। फिर से वो किला दे दिया झंडा। खाली करा लिया गया है, ये पर्चे माँ बाप के हवाले है।
वापस जाओ। लीना खातून और बायोजा को दुनदार साहब लेकर आएंगे। सब जगह देख रहे हैं। जनाब यहां भी कोई नहीं है।